तो ये एक लगातार हमारी कोशिश रहती है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कोशिशों की वजह से जो भर्ती है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। थोड़े अप एंड डाउन ज़रूर होते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहेगा, जैसे जैसे और मौके मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, वैसे वैसे ये जो भर्ती हो रही है वो घटती जाएगी और जो सुरक्षा स्थिति है उसमें बढ़ोतरी होगी। ओके, क्वेश्चन सी, आई कैन सी 37 हैं और हमारी पूरी खबर थी कि वो किन किन इलाकों में मौजूद हैं। इसकी हम लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अचानक जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अचानक कोई ऐसे कोई हरकत करेगा इसका कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा रहेगा, जैसे हमारे पास रहा अगस्त के महीने में। हालांकि हम आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट में थे, तब भी चीन को नहीं पता चला कि हम ऐसे कोई उनको सरप्राइज करेंगे। तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा होगा, लेकिन जो स्थिति है आज लद्दाख में वो वही स्थिति है जो हमेशा के लिए रही है और हमें गवर्नमेंट से यही डायरेक्शन मिले हैं कि जो पोजीशन है और उसको हम उस पर हम कायम रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, चाहे सर्दी हो या गर्मी के मौसम हो। और जो भी बातचीत चल रही है अलग अलग लेवल पे, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, इन बातचीत के ज़रिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे, उसी आधार पे जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी। और यही हम चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के ज़रिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ना वेट, ओके, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन आल्सो। एज आई मेंशन दैट एवरी ईयर द पीएलए ट्रूप्स कम टू द ट्रेडिशनल ट्रेनिंग एरियाज टू कैरी आउट द ट्रेनिंग। With the onset of winters and at the completion of this training period, these troops have also, those training areas have been vacated. And since those training areas have been vacated, it would be fair to assume that those troops who had come who were in the depth areas on the Tibetan plateau have gone back to their garrisons, and that is the reduction in the strength on the plateau, in the Tibetan plateau, that has taken place. However, there has been no decrease in strength either on their side or on our side as far as the friction points are concerned. Next, 91, Sumit Kumar Singh, INS. So this is Sumit Kumar Singh. I'm from INS Indo-Asian News Service. There's a small question I want to ask. Has current standoff changed or suppressed thought and idea regarding integrated theater command, or is Indian Army organizing itself to fit in the proposed integrated theater command? Okay. 48, Poonam Pandey, Navbharat Times.
सर एलएसी की जो सिचुएशन है उसमें डिप्सांग का अभी क्या है? ईस्टर्न लद्दाख पे काफी बात हुई लेकिन डिप्सांग में कई बार ये कहा गया है कि वहाँ इस गतिरोध से पहले से ही दिक्कत चल रही थी, वहाँ की क्या स्थिति है? दूसरा सवाल ये कि अभी अगर हम एयरफोर्स को देखें तो फाइटर पायलट हैं उसमें, नेवी में भी पायलट हैं, क्या आर्मी एविएशन में भी जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है महिलाएं, महिला ऑफिसर्स? 35 नेहेश फिलिप्स प्रिंट। सर स्नेहेश हियर फ्रॉम द प्रिंट। सिंस लास्ट ईयर थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स हैव बीन डिप्लॉयड बाय बोथ साइड्स सर एंड द स्टेटस को हैज चेंज्ड। व्हाट डू यू थिंक इज द वे फॉरवर्ड एंड डू यू थिंक दैट द स्टेटस को वुड बी रिस्टोर्ड और इज दिस द न्यू स्टेटस को? I think I had answered some of these questions in the previous set of questions that had been asked. As far as the situation in Eastern Ladakh is concerned, in the areas which were just mentioned, the situation is the same as was prevailing last year. There has been no change in the status quo. As far as the resolution of the present situation is concerned, we are hoping that again I will repeat that based on the principle of mutual and equal security, we would be able to reach an agreement which would result in disengagement and de-escalation. Disengagement from the friction areas, and once this disengagement has been achieved, then an overall de-escalation and a reduction in the strength of the troops in the forward areas. जहाँ तक आपका सवाल है, एयरफोर्स और नेवी में जरूर पायलट्स है और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि तकरीबन एक महीने पहले ही मैंने आदेश पास किए हैं कि आर्मी एविएशन में अभी तक जो हमारे महिला ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ एटीसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ग्राउंड ड्यूटीज़ में है, और पिछले महीने ही ये प्रपोजल मैंने इनिशिएट किया है और एजीज ब्रांच, एमएस ब्रांच, एविएशन डायरेक्टरेट तीनों इस पर सहमत है कि एविएशन में भी वुमेन ऑफिसर्स हो सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए, और हम सोच रहे हैं कि अगला जो कोर्स शुरू होगा जो कि जुलाई के महीने में होगा उसमें ज़रूर वुमेन ऑफिसर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए दाखिल होंगे, और एक साल के ट्रेनिंग के बाद तकरीबन अगले साल के जून जुलाई में वो भी अपने फ्रंटलाइन ऑपरेशन यूनिट्स में फ्लाइंग ड्यूटीज में जुड़ पाएंगे। थिएटर कमांड्स, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, और चाहे जो भी स्थिति हो हम इंटीग्रेशन के ऊपर जरूर आगे बढ़ेंगे, और ये मैं ये समझूंगा कि ये अच्छा मौका है कि हम इससे जो हम एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं उसको लेकर हम जो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो ढांचा है वो उसको हम और भी अच्छा बना सकें। लेकिन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड चाहे लैंड, एयर या मैरिटाइम हो, ये जरूर होंगे और इसके ऊपर हम पूरा हमारा साथ देंगे कि ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़े। 14 परंजली सिंह फ्रॉम लोकसभा टीवी। सर प्रांजली सिंह फ्रॉम लोकसभा टीवी। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ड्यू टू पैंडेमिक हमने देखा कि ये भी इकोनॉमी की क्या हालत है, इस बार सर विंटर में हमारी जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है और साथ में जो फौज के मॉडर्नाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं
उसमें आने वाले बजट से सर इंडियन गवर्नमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं और आगे बैलेंस करने की आपकी तैयारी क्या है? एंड सर लास्ट क्वेश्चन इसकी लैंड मोनेटाइजेशन पे काफी वक्त से बातचीत हो रही है, चल रही है, अभी इस पर स्टेटस क्या है? 109 मंजीत नेगी. जनरल साहब, आपकी हाल की यात्रा रही है दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब, नजर नहीं आ रहे. हाँ ओके ठीक. मेरा सवाल यह कि आपकी दो महत्वपूर्ण यात्रा रही है दक्षिण कोरिया की और सऊदी अरब की, चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में आपको लगता है कि कितनी महत्वपूर्ण है सामरिक तौर पर ये दोनों यात्राएं? और एक छोटा सा सवाल, थर्ड क्वेश्चन 53 मनीष प्रसाद इंडिया टीवी. सर मैं मनीष हूँ इंडिया टीवी से. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात लगातार की जा रही है. इस समय जो हाई ऑल्टीट्यूड इंजरीज या फिर कैजुअलिटीज हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और नियर बाय एरियाज में, वो कितनी हैं, उसके ऊपर क्या डिटेलिंग है और क्या आने वाले टाइम पे जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3488 किलोमीटर्स का पूरा एरिया है, उसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग हाई ऑल्टीट्यूड रीजन हैं LOC पे भी, उस पर भी इस तरीके की सिचुएशन बनी है? जहाँ तक बजट और फोर्स मॉडर्नाइजेशन का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारा लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान है उसके अंतर्गत हम फोर्स मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं. इसको देखते हुए ये प्रायोरिटीज चेंज होते रहते हैं और प्रायोरिटाइज को देखते हुए और बजटरी एलोकेशंस को देखते हुए ये प्रायोरिटीज चेंज होते रहते हैं और प्रायोरिटाइज करके हम अपने मॉडर्नाइजेशन का जो प्लान है उसमें भी हम जो बदलाव लाने हैं वो लाते रहते हैं. लेकिन हालात को देखते हुए जो भी हमने गवर्नमेंट से मांगा है वो हमें ज़रूर मिला है और पिछले साल हालांकि सभी मिनिस्ट्रीज को बताया गया था कि एक हर क्वार्टर में 25% के जगह सिर्फ 20% ही एक्सपेंडिचर करना है, उस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर नहीं थी. और जो RE स्टेज है उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि RE स्टेज में, और हमें पूरा भरोसा है कि अभी जो RE स्टेज का रिवाइज एलोकेशन घोषित किया जाएगा उसमें भी हमें खास करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और फंड्स मिलेंगे, जिससे कि जो भी और भी हमने काम करना है बाकी फाइनेंशियल ईयर में वो हम पूरा कर पाएंगे. जहाँ तक लैंड मोनेटाइजेशन का सवाल है, इस पर भी काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और अभी हमें लैंड के बदले इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेने की इजाज़त मिली है. तो इस पॉलिसी के होते हुए, इस पॉलिसी के अंतर्गत हम ये मोनेटाइजेशन की कार्रवाई को आगे ले जाएंगे. लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि ये कोविड वाला सिचुएशन है तो जो लैंड प्राइसेस है उसमें भी गिरावट हुई है, तो इसलिए इस वक्त हम इस लैंड मोनेटाइजेशन और उसके बदले जो EVI की कार्रवाई है उस पर हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि जब स्थिति सुधरेगी तब हम इसको और आगे ले जाएंगे. लेकिन ज़रूर एक चीज़ है जो बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छा होगा तीनों सर्विसेज के लिए कि जो अनयूज्ड लैंड है जैसे कि कैंपिंग ग्राउंड है पुराने ज़मानों के, या जो लैंड है जिसका अभी हमें उपयोग नहीं है जैसे मिलिट्री फार्म क्लोज होने के बाद वो जो सरप्लस लैंड हुई है, इन किस्म के लैंड के बदले में इक्वल वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बना के
हमारे बहुत सारे जो बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी दूर होंगे। वो हाई एल्टीट्यूड के एरियाज में जो कोल्ड इंजरीज हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जो हमने कार्रवाई की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल राशन, हीटिंग अरेंजमेंट्स, इन पूरे चीज़ों के वजह से इस साल जो कोल्ड इंजरीज है, हालांकि पिछले साल की नस्बत और ट्रूप्स है फॉरवर्ड एरियाज में एलएसी के ऊपर, एलसी के ऊपर, लेकिन फिर भी जो कोल्ड इंजरीज की मात्रा है वो तकरीबन उतनी ही रही है। पिछले साल 0.13% था, इस साल 0.15% है। और ये इसलिए है कि हम तैयार थे और सारे मिलकर इंजीनियर्स, एमजीओ वाले मिलकर हम ये पूरी जो बैकअप चाहिए होता है फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयमेंट के लिए वो हम पूरा कर पाए और इसीलिए कोई ऐसे कोल्ड इंजरीज नहीं हुए हैं। जहाँ तक ये फॉरेन विजिट्स का सवाल है, ये एक मिलिट्री डिप्लोमेसी का हिस्सा है और यूएई, सऊदी अरेबिया और साउथ कोरिया इन तीन देशों की यात्रा से ये साफ उभर आया है कि ये तीनों देशों हमारे साथ और रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं हर फील्ड में, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, टूरिज्म और डिफेंस डिप्लोमेसी भी। और डिफेंस के क्षेत्र में ये ना सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेनिंग जो कोर्सेज के लिए हमारे जवान एक दूसरे के देश में जाते हैं, लेकिन जॉइंट एक्सरसाइजेज भी और डिफेंस कोऑपरेशन में वो भी चाहते हैं कि वो हमसे कोई डिफेंस इक्विपमेंट लें। और जो एम है डिफेंस एक्सपोर्ट्स का वो भी इसके थ्रू जो है हम आगे बढ़ा पाएंगे। आई थिंक वी कैन आस्क दिस साइड, यू आर बायस टू द राइट। राइट सर। 13। यस, सुमित चौधरी, TV9। सुमित चौधरी फ्रॉम TV9 भारतवर्ष। सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि मई महीने से, पिछले साल से ईस्टर्न लद्दाख में जो सिचुएशन है वो आई बॉल टू आई बॉल है, लेकिन क्या एलएसी के दूसरे पार्ट्स में भी, यानी अरुणाचल में या सेंट्रल कमांड में भी सिचुएशन इसी तरीके की है? और क्या कुछ नए इनपुट मिले हैं खासतौर पर चीन की तरफ से नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के इन एरियाज के अंदर भी? संदीप बोल, न्यूज 18। सर, संदीप बोल फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया। सर, मेरा सवाल यह है कि अप्रैल से पहले, ईस्टर्न लद्दाख की बात करें, अप्रैल से पहले इंडियन आर्मी जहां जहां पेट्रोलिंग करती थी, अप्रैल के बाद क्या स्थिति है? किन किन जगह तक, कितने ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट है जहां तक वह पेट्रोलिंग करती है? क्या कोई बदलाव आया है चाइना के एग्रेशन के बाद से? 16, मनीष झा। सर, दिस इज मनीष कुमार झा फ्रॉम बिजनेस वर्ल्ड। सर, दिस इज रिगार्डिंग द रिसेंट रिसर्च डन बाय यूएसआई व्हिच रेजेस क्रिटिकल गैप इन एड्रेसिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ जवान विद इन द आर्मी। आई अंडरस्टैंड इट इज मोर देन ए मिलियन फोर्सेज एंड आर्मी हैज टेकन सम स्पेसिफिक स्टेप्स टू एड्रेस इट, बट कुड यू टॉक अबाउट सम ऑफ द मोर इनिशिएटिव व्हिच यू प्लान टू टेक एंड व्हिच शुड परलोकेट डाउन टू द कंपनी लेवल विच एड्रेसेस सच ए क्रिटिकल गैप? बिकॉज इट अबाउट 100 जवान डाय सुसाइड एवरी ईयर एज द डेटा टॉक्स अबाउट विद इन द इंडियन आर्मी, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द मोरल ऑफ अवर जवान at the very bottom up to the higher level. Sir, thank you very much. मैं जो दूसरा सवाल था उसका जवाब पहले दूंगा, और जो ईस्टर्न लद्दाख में स्थिति है, पेट्रोलिंग है, इसके बारे में मैं, मेरे ख्याल से मैं दो बार
बता चुका हूँ कि जो स्थिति पहले थी वो भी अभी वैसे ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जहाँ तक दूसरे इलाकों की बात है, हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं, और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारे चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। जो आपने ये सवाल पूछा है स्ट्रेस के बारे में, ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई, इसका जो सैंपल साइज था वो सिर्फ 400 था, और ये मैं समझता हूँ कि एडिक्वेट सैंपल साइज नहीं है। अगर आपको 99% एक्यूरेसी चाहिए हो विथ 1% मार्जिन ऑफ एरर, तो इस किस्म के स्टडी के लिए तकरीबन 19,000 सैंपल लेने चाहिए थे, और अगर 95% एक्यूरेसी चाहिए वो फिर नीचे आ जाएगा तकरीबन 7-8 हज़ार सैंपल साइज। तो ये 400 का सैंपल लेके इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेस है भी, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ, लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती है। स्ट्रेस होने से जो है अच्छा काम भी होता है। तो ये हुआ जहाँ तक वो स्ट्रेस की बात है, लेकिन इससे निपटने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, कई एडवाइजरी दिए हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं उसका भी स्ट्रेस होता है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं उसका भी स्ट्रेस होता है कि अच्छा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, एडमिशन कहाँ होगा, जिनके बड़े बच्चे हैं उनकी शादी होगी या नहीं होगी उसका भी स्ट्रेस होता है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स एनालाइज किए हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो जो लोग इन कैटेगरीज में हैं उनसे लगातार हम कंपनी कमांडर सीईओ लेवल पर बातचीत करते रहते हैं, और जो भी अगर कुछ समस्या हो उसका हल निकालने की कोशिश जारी रहती है हमारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो नीचे आए हैं, बड़े नहीं हैं। तो आपकी खबर मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है, ये दिखाते हैं कि सुसाइड फिगर्स एक्चुअली कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर। नो, टोटली इनकरेक्ट। संदीप परिचन 97। Good afternoon, sir. Sandeep Unnithan from India Today magazine. Last month, in an interview, Foreign Minister Jaishankar said that he expects the Ladakh, he believes that the Ladakh deployment, the standoff could last as long as the Sundarongchu incident of 1987, which is about 7 years. Is the Indian Army prepared for an extended deployment, sir, at these high altitudes? And what do you think is going to be the impact on the army, the extended operational deployment along two fronts? Are you fully prepared for this, sir? 10, Rajat Pandit, Times of India.
Yeah, Rajat Pandit from Times of India. Could you tell us a little about the rebalancing of forces towards the northern borders, the status of the Mountain Strike Corps, and the proposal to make one core China facing? Okay. News Nation? Yep. Madhurendra Singh. Get the mic. सर, करेंट सिनेरियो को देखते हुए आप आर्मी के बजट को बढ़ाने की बात कर रहे थे, बजट सेशन चालू भी होने वाला है. जो मौजूदा स्थिति है खासतौर पे बॉर्डर्स पे, वेस्टर्न या नॉर्दर्न बॉर्डर पे, और वहाँ की जो चुनौतियों को देखते हुए आप एसेस कर पा रहे हैं, क्या प्रपोजल आप सरकार को देंगे बजट बढ़ाने के लिए, कितना परसेंट बजट इंक्रीज होना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में खासतौर पर अभी जो करेंट चैलेंजेज हैं वो क्या है जिसको मीट करने के लिए आपको बजट चाहिए होगा? On the situation on the northern borders and as far as certain studies that we are doing, as I mentioned earlier, we carry out a periodic review of our operational plans and our strategy to deal with various threats, both external and internal. And the external threats, whether it is one front or two front. And based on these reviews that we carry out, certain amount of rebalancing, if you would like to call it that, rebalancing does happen. This is a continuous and ongoing process. And as the events in Eastern Ladakh had shown, that there was indeed a requirement of carrying out a certain amount of rebalancing towards our northern borders, and that is what we have now put into place. 8 rounds of talks have taken place between the military commanders on either side. Each of these rounds has been either preceded or followed by a diplomatic level engagement through the WMCC. So the talks are an ongoing process. We will ensure that through the medium of these talks, we reach a solution which is acceptable and not detrimental to our interests. And if the talks get prolonged, so be it. And we are prepared to hold our ground where we are for as long as it takes to achieve our national goals and interests. जहाँ तक बजट का सवाल है, मैंने मेरे ख्याल से इससे पहले भी इसके ऊपर बताया था कि हमारे जो डिमांड्स हैं कैपिटल और रेवेन्यू, वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू आगे भेजे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ओवरऑल जो नेशनल बजट है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें जरूर मिलेंगे. अगर आप पिछले साल का भी बजट देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था उसका तकरीबन 15% सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस बजट में था. तो किसी भी किस्म से और किसी भी तरीके से आप देखो तो जो डिफेंस के लिए जो भी आउटले करने की ज़रूरत है वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कर रही है, और इस पर भी हमें आश्वासन दिया गया है कि स्थिति को देखते हुए अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट हो तो वो भी पूरी की जाएगी. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, वे हैं मनु पब्ली 36 इकोनॉमिक टाइम्स. Uh,
Sir, I want to ask you about this withdrawal of Chinese troops or pulling back. Sir, do you see it as a significant move? Is it a move towards de-escalation or is it more of a tactical small term? I just want to know your opinion on what it signifies. And secondly, sir, if you can give us an update on your assault rifle plans. The Kalashnikov factory has been pending for a while now. What are expectations and when can we see those made in India rifles with our Jawans on the borders? Thank you, sir. 62. Soyashi Sharma, Janta TV. Good afternoon, sir. I'm Dr. Soyashi Sharma. Greetings. My question is, present government has initiated Lucas policy. So what is Army's stand on that? Thank you so much, sir. 40. Pranav Upadhyay, ABP. Janata Pranav Upadhyay, ABP News. Se. Mera sawal ye hai ki आपने चाइना और पाकिस्तान के कोल्यूजन को एक रियल टाइम थ्रेट बताया है. इस संकट के दौरान ऐसे कौन से इंडिकेटर मिले जिनसे आप ये कह सकते हैं कि कोल्यूजन ज़्यादा मजबूत हो रहा है? और दूसरी चीज़ ये कि जो मौजूदा 8 महीने से संकट चल रहा है, सर इस तरफ देखता मौजूदा 8 महीने से जो संकट चल रहा है, इस दौरान आपने अपनी क्रिटिकल प्रायोरिटीज जो हैं उनके अंदर क्या बदलाव किए हैं? As far as the withdrawal is concerned, I think I had clarified earlier that every summer, for the summer training, a number of units and formations of the PLA come into the Tibetan plateau for the training. And at the end of the training year, especially as the winter set in, many of these units go back. And these are the areas, these traditional training areas that have been vacated. We should not read too much into either their presence in these training areas or their absence and going back from these training areas. These areas are well in depth, as much as anything from 500 to 1500 kilometers away from the borders. But all the same, we keep an eye on them because these are the forces which could be mobilized and reach the borders in 24 to 48 hours. So therefore, the necessity of keeping a watch on all the deployments in the Tibetan plateau. But as I said, we need not lay too much significance on these comings and going. But what is more important is that the border areas, where the eyeball-to-eyeball confrontation is there, and the various friction areas which are there, there has been no reduction of troops in these particular areas, and that is where we have to be more concerned and careful. Connected to this is the question of collusion between Pakistan and China. There is no doubt that a collusive threat exists. This is not just something which was part of some strategy paper or loud thought process, but it is very much manifesting itself on the ground. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields, and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. And in dealing with such a threat, we will of course have to see which is the more serious threat and prioritize and deal with that first. The AK-203, the negotiations are at an advanced stage. There were some last minute hitches and hiccups, but I believe that those have been ironed out now, and I'm hopeful that the final contracts should be signed very soon. As far as the Lucky's policy is concerned, that is a very good initiative by the government. It is not something new. It has been there for the last many years. And I do believe that as part of this Lucky's policy, the armed forces, all three, Army, Navy, Air Force, have a very important role to play in furthering the government's Lucky's policy. We'll have the last question, last set of questions. Srinjoy has been raising his hand for a long time, for times now.
So it's the government's decision, of course, but it has to be initiated by the army. We know that about 6 months ago, 20 of our brave hearts died in the Galwan area. Has the army initiated any process in terms of awards to honor some of these soldiers, brave soldiers who died? And I know a decision will be taken or announcement will be made in about 10 days, but what can you tell us about what the army has done to honor these brave men? 92, Shreya Dondial, CNN IBN. Sir, good morning. Happy New Year to you. My question is this: are there any plans to move the army completely out of the internal security duties and focus on its conventional roles? Have you mooted any proposals for pulling completely out of Jammu and Kashmir and the Northeast, sir? Okay. 98, Delhi Defence Review. Chandrasekhar. Sir, Chandrasekhar from Delhi Defence Review. My question is regarding there have been a lot of media reports and as well as strategic dialogue with Afghanistan. Is the army contemplating putting troops on the ground, sir? Well, as far as honors and awards are concerned, it is not just for the officers and jawans who were martyred at Galwan, but throughout the past year, there have been many gallant actions carried out by our men. Some of these actions have resulted in casualties on our own side also, and all these actions, the citations have been received and they have been evaluated on their merits, and our recommendations for honoring all those who have performed acts of gallantry and valor have been forwarded to the ministry for its final approval. But suffice to say that all those who have contributed in upholding the security and sanctity of the country, their acts will be recognized in some way or the other. Fikr Aapki, Somvar se Shukrawar, Raat 9 baje, Sirf TV9 Bharat Varsh par.